हेलो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड रिजनल सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथी डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर महादेव गोस्वामी, ये 27 ईयर ओल्ड और ये 1.5 साल से कमर से दर्द और कमर का दर्द, इनको राइट लोअर लिम्ब रेडिकुलोपैथी यानी कि शाटिका का सिवियर पेन से पीड़ित है। पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन और उनको गर्दन में भी आ रहा है, दोनों हाथों में रेडिकुलोपैथी आ रही है। लगभग 1.5 साल से 2 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये कह रहे हैं कि मैं 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई भी आराम नहीं आया। हमारे पास जब ये आए तो हमने इनको एग्जामिन किया। एग्जामिनेशन के बाद इनको टेंडरनेस थी सैक्रोइलिक जॉइंट पे, SLRT वाज 40 और ये हमेशा ये थे कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। डेली वेजर वर्कर्स अपना काम पे नहीं जा पा रहे हैं जिसकी वजह से, और इनको फाइनेंशियल बर्डन भी चलता जा रहा है। इनके ब्रदर इनका पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हमने एक DSCB का इंजेक्शन इनको लगाया था, इनसे जानते हैं कि एक तो इनको क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या क्या समस्याएं थी और इस समय इनके समस्याओं का कितना समाधान हम एकमात्र DSCB के इंजेक्शन से कर पाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माधव गोस्वामी जी। तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? पहले सुनपन था, भारीपन था, राइट गले में चलने में दिक्कत था, आगे झुकने में दिक्कत था, लेकिन कमर में कोई दर्द? कमर में हल दर्द है। तो अभी तक कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करा चुके थे? अभी तो सर काफ़ी जगह, लेकिन इतना याद नहीं है, बहुत खर्चा कर लिया। आप यहाँ एक दूसरे इंजेक्शन से पे आप 100% से 70% आराम मिला है। किसकी चीज़ में आपको आराम मिला इंजेक्शन लगने के बाद? आगे झुकने से, चलने से, चारों तरफ ही सुनपन और हरीपन सब कुछ 100% से 70% निकल गया। 70% जी। अभी जो आपने लिखा था कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता हूँ, आप खड़े हो पा रहे हो? आप खड़े हो पा रहे हो। अभी 10 किलोमीटर की 6 किलोमीटर चल भी पाता हूँ। पहले आपने लिखा था 1 से 1.5 किलोमीटर चलते आपको तकलीफ बढ़ जाती है, खड़े नहीं रह पाते हो आप, है ना? ठीक है। और जो पैरों के अंदर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन वो सब कम हुआ है आपको? बहुत कम हुआ है। ओके। और जो पैर में ताकत कम महसूस होती थी, क्या आपको लगता था कमजोरी चल रही है, वो भी आपकी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है? पहले से अच्छी है बहुत। कितने इंजेक्शन हमने आपको लगाए, कितनी बार लगा चुके हैं? एक ही लगा चुके हैं, एक सीटिंग। तो एक सीटिंग से इनको लगभग 70% इम्प्रूवमेंट है झंझनाहट, सुनपन, भारीपन में, दर्द में। जब भी हम DSCB इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, सबसे पहली इम्प्रूवमेंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है सबसे पहले मसल रिलैक्स होती है पेशेंट्स की, हैमस्ट्रिंग्स, काफ, इनका स्पाज़म खत्म होता है, पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होता है, नंबर 1। नंबर 2, नंबनेस, टिंगलिंग, हैवीनेस, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन इनमें। और थर्डली जो हमारा पेन मैनेज है कि पेन की इंटेंसिटी ऑफ पेन विल कम डाउन, कि ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है एकदम से, लेकिन जो हमारा पहले इंटेंसिटी ऑफ पेन थी वो कम होती चली जाती है, SLRT में इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है और इसके माध्यम से हम पेशेंट की फिजियोथेरेपी को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। अगर जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा है, क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म और परमानेंट है, यंगर पेशेंट्स के अंदर जितनी भी डिस्क की समस्या है, यंग पेशेंट्स में, यंग का मतलब है जो भी 45 साल से कम उम्र के मरीज हैं, तो उनमें डिस्क की समस्या जो मोस्ट कॉमनली हमारी होती है वो L4, L5 and L5S1 डिस्क प्रोलैप्स होती है, और साथ में शाटिका नर्व। शाटिका पेन जो होता है वो इट्स बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ नर्व, नस के दबाव की वजह से जब मणका निकल जाता है और डिस्क के ऊपर दबाव डालता है तो उसकी वजह से ये सारे के सारे कंप्रेशन इफेक्ट, दबाव की वजह से सारे इफेक्ट आते हैं। ये परमानेंटली ठीक हो जाते हैं आपके, बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। डिस्क आपकी ग्रेजुअली विद टाइम ड्राई होनी होनी है, और जब वो ड्राई होगी, देखो डिस्क का कंटेंट होता है 60-70% फ्लूइड और बाहर में हमारा फाइब्रस टिश्यू, सो एनुलर फाइबर जिसको हम बोलते हैं, एनुलर फाइबर्स। सो जैसे आपका फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, कंटेंट पूरा बाहर आ चुका है, ग्रेजुअली डिस्क विल ड्राई अप, सो कंप्रेशन ओवर द नर्व, जो आपका कंप्रेशन है वो भी कम होता चला जाता है। सम ऑफ द पेशेंट्स हु हैव डिस्कोजेनिक पेन ओनली, यानी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कमर का ही दर्द चल रहा है, पैर का इंप्रूवमेंट आने के बाद अगर कमर का दर्द बच जाता है तो उसको हम कहते हैं डिस्कोजेनिक पेन, कि इस समय पेन सिर्फ और सिर्फ डिस्क की वजह से है। और या फिर कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनको पैरों में प्रॉब्लम नहीं आ रही लेकिन उनको सिर्फ कमर में दर्द होता है, उसको हम डिस्कोजेनिक टाइप ऑफ पेन, जब हम देखते हैं कि टेंडरनेस सिर्फ उनको इंट्रावर्टिबल डिस्क स्पेस पे आ रही, ऐसी कंडीशन के अंदर इंट्रा डिस्कल ओजोन इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और पेशेंट को 1 से 2 सिटिंग की ही रिक्वायरमेंट होती है। 90% पेशेंट्स एक ही सिटिंग के अंदर डिस्कोजेनिक पेन के लिए ठीक हो जाते हैं। 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनको शाटिका के बाद हम डिस्कोजेनिक पेन बचता है तो उसके भी ओजोन इंजेक्शन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरीके से एक मात्र इंजेक्शन DSCB के से इनको 70% इम्प्रूवमेंट है। ये डेली वर्कर है
और इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना आ जाता है, ये 2-2.5 लाख रुपए अपना खर्च कर चुके हैं पिछले 1.5 साल से, काम नहीं कर रहे हो, अभी घर पे ही हो, काम नहीं कर पाते बिल्कुल भी, ठीक है। सो 1.5 साल से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं इनको अगले 6 हफ्ते से 12 हफ्ते का मैंने इनको बोला है टाइम, कि इन 6 से 12 हफ्ते के टाइम में हम क्या करेंगे। जब एक यंग पेशेंट इम्प्रूवमेंट में आ जाता है तो ये हम समझ के चलते हैं, ये हमेशा ऐसा होता है कि जब पेशेंट 1.5 से 2 साल से तो परेशान है तो उसकी सारी मसल्स भी वीक हो जाती है, पेन, क्रोनिक पेन में आपकी काफ, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, क्वैड्स से सारी की सारी वीक हो जाती है, बैक मसल्स जितनी भी हमारी बैक मसल्स होती है, कोर मसल्स होती है, वो सारी वीक हो जाती है। तो इस दौरान हम इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद जैसे डिस्क एक बार निकल गई वो कभी वापस नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप बैक मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, लेटर उन सब चीज़ को कंटिन्यूटी में रखते हैं, तो आपको आगे में दिक्कतें नहीं आती हैं यूजुअली, और आप अपनी सारी की सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक यंग इंडिविजुअल अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है, वो अपना काम भी कर सकता है, अपनी बाइक भी चला सकता है, घूम फिर भी सकता है, आगे झुक भी सकता है, बैठ भी सकता है, ये सारे काम पेशेंट 12 हफ्ते के प्रोटोकॉल्स के बाद कर सकता है, एक्सरसाइजेस के बाद धीरे धीरे कर सकता है। आगे में इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, और सिर्फ आपको आगे में एक्सरसाइजेस करनी है। तो अगर आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, आप एक्सरसाइज को कंटिन्यूटी में करते हो, बहुत सारे मरीज होते हैं जो मेरे पास 6 महीने के फॉलोअप में आ रहे हैं, 8 महीने के फॉलोअप में आ रहे हैं, वो कहते हैं सर अगर हल्का फुल्का कभी हो भी जाता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करते ही तुरंत हमारा बेनिफिट होता है। दैट इज द बेसिक आइडिया, दैट इज द बेसिक आइडिया कि हमें DSCB इंजेक्शन का इस्तेमाल करके पहले पेन को कंट्रोल करना है, पेशेंट के कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना है, मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन और सप्लीमेंट्स देके मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, और एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमें मसल्स को पूरा का पूरा स्ट्रेंथन करना है, बैक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो पूरा का पूरा चीज़ों को मिलाने के बाद कि इंजेक्शन से पेन मैनेजमेंट, नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, हैवीनेस इसको कम करना, और एक्सरसाइज के माध्यम से पूरी की पूरी इसको स्ट्रेंथनिंग करना, ये होता है। तो जो आपने सवाल किया था कि परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, तो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन बशर्ते आप एक्सरसाइजेस भी करें और थोड़े प्रिकॉशंस आपको स्टार्टिंग के अंदर लेने पड़ते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। एक बार लेट जाइए, वी विल चेक कि जैसे नाटी तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप ठीक हो जाओगे जी। हाँ, पहले तो काफ़ी आपका वेस्ट बंगाल में ट्रीटमेंट रहा है आपकी, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वेस्ट बंगाल से आप यहाँ आए ट्रीटमेंट के लिए तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक हो जाओगे जी। कोई मालिश मसाज तो नहीं करेगी, झटका मालिश मसाज सब करा लिया था? ओके, सो मैं हमेशा बताता हूँ कि मालिश मसाज, झटका, ये सब चीज़ें मत कराइए, उससे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है ना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है, ठीक है। इस वाले पैर को उठाइए, इस वाले पैर में रखिए करो जहाँ की चार लगे, सो SLRT इज नाउ ऑलमोस्ट नॉर्मल, इसी पैर में तो पहले कितना उठा था, ठीक है, इस वाले पैर को उठाइए। ओके, वेरी गुड, बैक का पेन भी काफ़ी कम है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके जानने वालों में किसी को भी अगर डिस्क की समस्या है, प्रोलैप्स डिस्क हो चुकी है, किसी को शैटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, इन सारी कंडीशंस के लिए पेन को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शंस। इसके साथ में पेशेंट को एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन देने के बाद पेशेंट अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल आ सकता है। ऐसी कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वालों में, तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में भेज सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।